देखिए, हमने पोहे और आलू से इवनिंग स्नैक बनाया है। ये बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी है। इसे हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी है और इसे हम डिफरेंट डिफरेंट चटनी के साथ सर्व किए हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो आप भी बनाइए, खाइए। इसे हम बनाना आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इंडियन फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पोहे और आलू से इवनिंग स्नैक बनाने वाली हूँ। इसे हम ककलेट कहते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे शाम के वक्त चाय के साथ खा सकते हैं। ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से आलू की स्टफिंग सॉफ्ट होती है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलते हैं किचन। आलू और पोहा के ककलेट बनाने के लिए हम इसे 1.5 कटोरी चूड़ा लिया है। इसे अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा पानी डाल के हम 1 घंटे के लिए रख दिए थे। ये अच्छे से फूल गए हैं, तो इसे हम एक डो की तरह मसल के तैयार कर लेंगे। थोड़ा हाथ को हम गीला करेंगे पानी से। इसके बाद इसे हम इस तरह से डो की तरह तैयार, हाथ को अच्छे से वॉश करिए, उसके बाद इसका डो बनाइए। इजली ये डो बन जाता है, तो हम इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इसका स्मूथ डो तैयार करना है। हमने अच्छे से मिला लिया है, एक स्मूथ डो की तरह हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हम आलू के मसाला में नमक डालना है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हम थोड़ा सा वाइन लगा के चिकना करेंगे। इसे हम रख देंगे तक मसाले, हम आलू के मसाले तैयार कर। हमने कद्दूकस कर लिया है। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिए हैं। कुकिंग ऑयल मेरा गर्म हो गया है। इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे। एक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसे भी हम हल्का भून लेंगे। प्याज हमारा हल्का भून गया है। इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बनाया है और इसमें हम ऐड करेंगे। आज को हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएगा। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। मसाले हमारे भून गए हैं। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलू भून गए हैं, इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। और गैस को ऑफ करेंगे और ठंडा होने तक रेडी। मेरा चूड़ा का डो रेडी है और ये आलू का मसाला भी रेडी है, तो हम इसे सेक देंगे। तो हाथ को थोड़ा सा हम गीला करेंगे। इसमें से थोड़ा सा नींबू के आकार के हम ये बॉल्स बनाएंगे और इसको पतला करेंगे। आप जो शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। सिलेंडर वाला शेप दीजिए या गोल शेप दीजिए, जैसे शेप है वैसे आप इसे दे सकते हैं, क्योंकि हम इसे फ्राई नहीं करेंगे।
इसलिए हम इस तरह का शेप देंगे। इसका मुंह हम बंद कर देंगे, इस तरह से इसको हम चिपटा कर देंगे। इसी तरह हम सारे शेप देके रेडी करेंगे। इसे आप ब्रेड क्रम्स में भी इस तरह डिप करके इसे आप सेलो फ्राई कर सकते हैं। इसे भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं। अगर ब्रेड क्रम्स आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं, सेलो फ्राई कर लेंगे। एक पैन चढ़ाया है, इसमें कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है और इसे हम सेलो फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी होने तक इसे हम सेकेंगे। आप चाहे तो इसे तल भी सकते हैं। एक तरह से सीख गया है तो इसे हम पलट देंगे। और इसे हम जब भी सेकेंगे मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। एक बार के सीखने में 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे सेकेंगे। ये अच्छे से सीख गया है, एकदम क्रिस्पी करारा हो गया है। अब इसे हम सर्व करेंगे। हमारा ये नाश्ता बनके रेडी है। हमने इसे डिफरेंट डिफरेंट चटनी के साथ सर्व किया है, तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू।